युवा देश की तस्वीर बदल सकते हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर नई नई योजनाएं लेके आते हैं। दोस्तों एक ऐसी योजना प्रधानमंत्री जीवन कौशल योजना के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों खंडेला की एक अकेडमी AIT अकेडमी में खंडेला क्षेत्र के 240 बालकों को निःशुल्क नर्सिंग कोर्सेज करवाया जा रहा है। तो दोस्तों हम इस अकेडमी में जाएंगे और उनसे पूछना चाहेंगे वहाँ के बारे में, आखिर बालकों को क्या क्या सुविधाएँ मिल रही हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। इस कोर्स के बारे में हमारे दर्शकों को क्या है इसके बारे में? ये सर हमारा कोर्स चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, तो क्रेज कोर्स चल रहा है। तो कोविड हेल्थ वर्कर, जो कोविड में काम करने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए कोर्स चल रहा है। तो टोटली 21-22 दिन का कोर्स है। छोटा कोर्स है, इमरजेंसी केयर का दूसरा है, एडवांस केयर का तीसरा है, होम केयर का। इन तीनों सेक्टरों में बच्चे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, हमारा स्टाफ पूरा एक्चुअली काम कर रहा है। ये सर हमारा कोर्स चला था 27 अक्टूबर से और ये कंप्लीट होने वाला है। इमरजेंसी केयर वाला तो खत्म हो जाएगा अपना 23 को, और दूसरा जो होम केयर का है वो जाएगा अपना 3 दिसंबर को, एडवांस केयर का 6 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। और सर इसके बारे में इन बालकों को कुछ सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आगे काम? बिल्कुल सर, इन बच्चों को जो बच्चे सर्टिफाइड होंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उनको उनके बाद में 3 महीने CSC PSC में काम करने को मिलेगा, उसके एवज में इनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। आप कितने दिन से आ रहे हैं? और मैं जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी नर्सिंग के एरिया में हूँ, क्योंकि मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और नर्सिंग के एरिया में आके जितना बेसिक नॉलेज हमें मिलना चाहिए, जहाँ सब ट्रेनिंग के लिए 10 लाख अपनी जो इनकम इंक्रीज करते हैं, खर्चा देते हैं, उससे बेटर हम लोगों ने यहाँ बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी टाइप का कोई भी पेमेंट के, मतलब हम यहाँ कोर्स सीख रहे हैं, वो भी इतना एक्सपीरियंस कोर्स जो लोग 3-3 साल तक करते हैं, हमें ओनली 45 डेज में सीखने को मिल रहा है। और जैसे और इसके अलावा हम जैसे हमें को बिना कोई पेमेंट किए अपने पेमेंट से स्कॉलरशिप वगैरह अर्न करना ये सब, और इसके साथ ही हमें जो ड्यूटीज का ऑप्शन मिलेगा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भी हॉस्पिटल में ही जाके वर्क कर पाएंगे और वो एक्सपीरियंस हम हॉस्पिटल में देख पाएंगे। तो हॉस्पिटल में जो हम ड्यूटीज करेंगे उनको हम सीखना चाहेंगे। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगी कि अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया कि यहाँ पे फॉर्म तो अप्लाई कर लिया बट यहाँ आना बंद कर दिया, तो उन लोगों ने अपना सबसे बड़ा लॉस ये किया है कि जो एक बेटर ऑप्शन था अपने करियर के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जो बच्चा हर बार स्टडी करता है तो वो गवर्नमेंट जॉब लग ही पाए, गवर्नमेंट जॉब ना होने के बाद भी वो सेल्फ वर्क में कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए इंप्रूवमेंट करता है और मे बी कोविड की थर्ड लेयर आ सकती है, तो उस लेयर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर हो सकता है। और हम जो ऑफर और एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करेंगे वो हमारा एक्सपीरियंस उन्हीं सब स्टाफ के अकॉर्डिंग होगा, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट से और टीचर्स वगैरह जो स्टाफ होते हैं उनके अकॉर्डिंग। और मैं थैंकफुल रहूँगी प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी स्कीम इतने कम टाइम में अचानक से एक्सपीरियंस, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि हमें हम एक कोरोना टाइम में लॉकडाउन में बैठे बैठे एक तरीके से बोर हो रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे और अचानक से एक अपॉर्चुनिटी पाने का मौका मिला था। सो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ फ्रेंड्स ये अभी करें। हमारे घर में भी पेशेंट्स होते हैं कोविड में बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया है, तो हम अपने अपनों को अपने घर में रहकर बचा सकते हैं। ये इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, हम क्या करें, हम किसी को CPR कैसे दें, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें अब नॉलेज है तो हम सबकी हेल्प कर सकते हैं अपनी फैमिली की, सोशल एरिया में, फ्रेंड सर्किल में, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है। और मेडिकल डिपार्टमेंट ऐसा एरिया है जो ये वैल्यू डिसाइड करता है कि हमें पेशेंट को बचाना है, वो ये नहीं देखता कि इन विच कैटेगरी, इन विच कास्ट, इन विच एरिया, दिस इज इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी इंक्रीज और लाइफ स्पेंट, सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पता चला कि ये है कोर्स यह कोर्स हमें सब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला और यह कोर्स बहुत चल रहा है। और कोरोना काल पहले तो केस कम हो गए थे, अब दोबारा कोरोना काल की घड़ी आ चुकी है और हमें इसी जो ये स्किल है इसके माध्यम से हमें तैयार किया जा रहा है। हमें भी और संपूर्ण जानकारी थी और उन्होंने ये बताया कि आपको यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि जो किट वगैरह है वो मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी और साथ ही साथ आपको इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि अगर आप भविष्य में कहीं भी अगर आपको कोई दुर्घटना स्थल हो या और भी कोई क्षेत्र हो जिस पर आप जा सकते हैं, और साथ के साथ इसमें जो इमरजेंसी वार्ड है और एडवांस केयर है और भी बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है हमें। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, किसी ने जो कहाँ फेंकना है, जो सुइयाँ होती है उनको कहाँ फेंकना है, बोतल को जो प्लास्टिक बोतल है उनको कहाँ डालना है, इनके बारे में भी जानकारी दी गई। और साथ ही हमें
जी सर, और छात्रों के लिए एडमिशन के लिए हमें यहाँ पे ऑफिस में संपर्क करना होगा, उनको अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। जैसे ही ये बैच कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास दोबारा दूसरा कोर्स चलेगा, उसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। लगभग कब तक शुरू हो जाएगा? जी सर, ये अपना 9 दिसंबर के लमसम कम्प्लीट हो जाएगा, तो 15 दिसंबर के लमसम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जानकारी है वो हमें मिल जाएगी, तो हम बच्चों को शेयर कर देंगे।